नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर आनंद स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही लाभदायक जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि हमें हर साल हर फसल के लिए खाद डालना पड़ता है और आजकल खाद की कीमतें इतनी बढ़ गई है। लेकिन इन बढ़ती कीमतों में भी बहुत सारा खाद में स्कैम है, बहुत सारा घोटाला है। कंपनियां फर्जी खाद देके किसानों को फंसा रही है। तो ये कैसे किसान, हमारे किसान भाइयों फंस रहे हैं, उनका पैसा कचरे के लिए वो कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिससे उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी पूरी लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमें पता है कि पोटैश का जो 50 kg का बैग होता है, जिसे हम MOP बोलते हैं, MOP का बैग में 60% पोटैश होता है। लेकिन मार्केट में पोटैश के नाम पे बहुत सारी कंपनियां, मैं अभी बैग के पिक्चर दूंगा, वो क्या कर रही है, 50 kg बैग में पोटैश जो है वो 14% के आसपास होता है। और 14% की पोटैश की जो प्राइस है वो आपको 800 से 900 के बीच में वो किसान को बेच रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो जिस पोटैश के बैग में 60% यानी कि 60% तक पोटैश है, वो बैग आपको 1600 में मिल रही है, 1700 के आसपास मिल रही है। और दूसरी जो बैग जिसमें 14% से आसपास पोटैश है, वो आपको 850 रुपये में मिल रही है। यानी कि आपको 60% के पोटैश की बैग की अगर बराबरी करनी है तो आपको ये 850 रुपये की चार बैग लगेगी, चार भी नहीं 4.5 बैग लगेगी। तो ये अगर कैलकुलेशन करोगे, 4.5 बैग गुनुला 850 रुपये, तो ये आपका 3,500 के ऊपर कैलकुलेशन चला जाता है। तो कंपनियां किस तरह से किसानों को पोटैश के नाम पे बड़ा स्कैम कर रही है। अगर आप पोटैश खरीदना चाह रहे हो, बिल्कुल 1700 रुपये का आप 60% वाला पोटैश लीजिए। ये 14% वाला पोटैश आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपका पैसा डबल जा रहा है और ये कंपनियां आपके ऊपर मुनाफा कमा रही है। तो बहुत सारे किसानों को इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। सिंगल सुपर फास्फेट में भी इस तरह से ही डुप्लीकेट खाद आ रहा है। तो एक तो आप ब्रांड कंपनी का खाद लीजिए, उस पर आप परसेंटेज चेक कर लीजिए, पूरा लिखा होता है कितना प्रतिशत उसमें वो न्यूट्रिएंट है, और तब जाके आप उसका रिसिप्ट बना के उसको खरीदीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप पार्ले के 10 रुपये का पैकेट आता है, उसमें समझ लीजिए 40 बिस्कुट हैं, और वहीं अगर हम 40 बिस्कुट 10 10 10 10 के चार पैकेट आपको 5 5 रुपये में देंगे तो वो 20 रुपये का बन जाता है। यानी कि आपको 40 बिस्किट यहाँ पे 10 रुपये में आ रहे थे, वो अभी आपको 40 बिस्किट चार पैकेट में 20 रुपये में आ रहे थे। तो इस तरह से ये स्कैम है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डबल पैसा कैसे चला गया। जो भी वीडियो ये देख रहा है, ज़रूर आपके दोस्तों को, किसान भाइयों को शेयर करिए, ताकि उनका पैसा बच जाए, यही मेरा हेतु है। अब और खर्चा कैसे बढ़ता है, देखिए, आपको एक बैग की जगह एक तो चार बैग डबल प्राइस दे के खरीदनी पड़ी। अब एक बैग खेत में डालने के लिए जितना खर्चा होगा, उससे चार गुना वो चार बैग डालने में खर्चा होगा। वो दुकानदार आपसे हर बैग आप बोरी का 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, तो 15 रुपये वहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है। तीन बैग आपको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जहाँ पे एक बैग ट्रांसपोर्ट करनी थी वहाँ पे आपको चार बैग ट्रांसपोर्ट करनी है। और दूसरा, किसान को लग रहा है कि मैंने चार बैग 5 बैग डाली, लेकिन उसको क्या पता है कि यह चार के जगह मतलब एक भी डाल देता तो भी चल जाता। तो यानी कि किसान जो है वो खाद कभी भी कितनी गोनियाँ डाली है गिन के मतलब उसको लगता है कि मैंने चार गोनियाँ डाली, 5 गोनियाँ डाली, तो इस तरह से वो कैलकुलेशन करता है। लेकिन यह गलत कैलकुलेशन होता है, क्योंकि उसको फसल को कोई फायदा होता नहीं है, और किसान को जो आने वाली उत्पादन है वो कम हो जाती है। तो यह आपका लॉस है, लागत खर्च आपका बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है, और आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है, आपका उत्पादन घट रहा है, क्योंकि आप सही मात्रा में जो अन्न द्रव्य चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है। तो यह वीडियो आपने आखिरी तक देखा, धन्यवाद।